सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चुल मचा दे, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए व्लॉग में स्वागत है। फिफ्थ रोज हो चुके हैं, कितनी जल्दी पांच रोज हो चुके हैं पता भी नहीं चला। आज करने वाले हैं हम सिक्स सहरी, मतलब ये आज छठी सहरी है। तो तहज्जुद की नमाज़ हो चुकी है मेरी, चलते हैं पारा पढ़ेंगे और सहरी करेंगे, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। और मैं वैसे नींद तो आ रही थी मुझे, बाकी मैं सो नहीं पाया। फ्रेंड आ गए थे और फिर उसके बाद उनके साथ थोड़ा सा टाइम लंबा हो गया, मतलब ज़्यादा स्पेंड कर लिया मैंने टाइम। दो बज गई थी उनके साथ मुझे, तो सो नहीं पाया मैं, घर आया। फिर उसके बाद बीवी का फ़ोन आ गया, तो बीवी मुझे बुला रही है, तो मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो पारे भी पढ़ लूँगा और सहरी भी हो जाएगी। तो चलते हैं, पारा पढ़ेंगे और सहरी करेंगे। अभी तकरीबन 3 बज रही है और सहरी का टाइम है 4 बजे का, तो एक घंटा पारा पढ़ लेते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों, चची पारा लेके बैठी हैं और इंशाल्लाह वो तो बहुत जल्दी कर लेंगी, क्योंकि स्पीड अच्छी है चची की। और बीवी हमज़ा को लेके बैठी हैं, और हमज़ा और चची दोनों हैं। हमज़ा जानी पारे पढ़ रहे हैं। ओ हमज़ा जानी, ता हो रिया है। तो माशाल्लाह दोस्तों, हमारी सहरी का इंतज़ाम हो चुका है और पराठे के साथ चिकन मिला है। बिरयानी की जो ग्रेवी थी ना, वो बीवी ने थोड़ी सी अपने लिए निकाल ली थी, बाकी ये गलती से मेरे पास आ गई। तो एक पराठा तो खाना बनता है, वैसे मैं बिरयानी खाना चाहता था, बाकी एक पराठा तो मैं खाऊंगा बीवी के हिस्से की। तुम्हारा देख लो, तुम्हारे हिस्से का मेरे पास आ गया क्या? तो थोड़ा सा एक पराठा खा के देखते हैं, बाकी तो बिरयानी ही खाएंगे इंशाल्लाह हम। और मेरा बेटा डैनियल भी उठने की कगार पे, बाकी वो सो जाएंगी। तो दोस्तों मेरी सहरी हो चुकी है और फजर की अजान हो चुकी है, तो जल्दी से मस्जिद में चलते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, बहुत सारी दुआएं करेंगे और बहुत ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही है, तो जल्दी से फटाफट नमाज़ पढ़ के आते हैं और फिर एक बेहतरीन सी नींद लेंगे। तो चलते हैं नमाज़ के लिए। तो दोस्तों मैं अभी सो के उठा हूँ और बेहतरीन सी नींद पूरी हो चुकी है, जोहर की नमाज़ भी हो चुकी थी मेरी, और अभी असर की नमाज़ का टाइम हो गया है, असर की अजान हो गई है। तो चलते हैं नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद पारा पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आज पारा नहीं पढ़ा। अब आज नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी मुझे, तो आज मेरी एक क्लास भी थी संडे के दिन, एक ऑनलाइन क्लास थी डिप्लोमा की, तो वो भी मिस हो गई क्योंकि नींद बहुत आ गई थी मुझे, मैं उठ नहीं पाया और मेरी क्लास भी मिस हो गई वो। तो अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद पारा पढ़ेंगे और इख्तियार करेंगे। तो चलते हैं नमाज़ पढ़ के आते हैं फटाफट जल्दी। तो दोस्तों नमाज़ हो चुकी है मेरी और इख्तियार का टाइम है, चलते हैं रोज़ा खोलेंगे। 15 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा पारा भी पढ़ना है और व्लॉग अपलोड करने के चक्कर में मैं पारा भी पढ़ नहीं पाया, तो जल्दी से नीचे जाऊंगा और पारा पढ़ूंगा और इफ्तारी करनी है। माशाल्लाह बहुत बढ़िया रोज़ा है आज का, बहुत सुकून मिला है और बस रोज़ा खुलने ही वाला है। जो भी टाइम होता है रोज़े का, वो बहुत कीमती टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत अच्छा लगता है। सेक्रीफाइस हम करते हैं हर चीज़ के लिए, तो अल्लाह ताला को वो चीज़ बहुत पसंद है। तो चलते हैं रोज़ा खोलते हैं। इस टाइम सारी पब्लिक घर के अंदर हो जाती है, गिने चुने लोग जो होते हैं, जो बाज़ार से इफ्तारी लेके आते हैं, बस वही दिखते हैं, बाकी तो सारे लोग जो हैं वो अंदर हो जाते हैं। रमज़ान का महीना इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है, फटाफट रोज़े आते हैं और फटाफट रोज़े निकल जाते हैं, चले जाते हैं, 30 रोज़े कब कंप्लीट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। दानू बेटी, रोज़ा खोल लिया आपने पहले ही?
तो दोस्तों तरबूज ले लेते हैं इफ्तियारी के लिए, फटाफट जल्दी से ले लेते हैं और चलते हैं, क्योंकि गर्म रहेगा, ठंडा करके खाना है। तो जल्दी से तरबूज लेते हैं और फिर हमारे चीची भाई टोस्ट बेच रहे हैं और दिलीप बाबा समोसे बेच रहे हैं माशाल्लाह। तो चलते हैं जल्दी से लेके इफ्तियारी। तो घाटी पे माहौल बहुत तैनात है, भीड़ अच्छी है माशाल्लाह। Few moments later. तो दोस्तों इफ्तियारी का सामान आ चुका है, टाइम बहुत ही कम बचा है, जल्दी से लेके चलते हैं। और समोसे भी ले लिए हैं मैंने, क्योंकि बीवी को बहुत पसंद है समोसे, और एक आध मैं भी खा लेता हूँ, ज़्यादा तो हो नहीं पाता, बाकी एक आध समोसे खा लेता हूँ मैं। तो चलते हैं जल्दी से, टाइम बहुत कम बचा है। गर्मी बहुत लग रही है आज, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तरावी से पहले एक शावर तो लेने बनता है। बीवी तरबूज और गर्मी कितनी हो रही है। हमजा जानी सो रहे हैं अभी माशाल्लाह, अभी इन्हें सोने देते हैं, नहीं तो चिड़चिड़ करेंगे ये। तो माशाल्लाह दोस्तों इफ्तार का टाइम हो चुका है और बिस्मिल्लाह करते हैं। Few moments later. माशाल्लाह दोस्तों आपके भाई की तरावी हो चुकी है, अभी मैं जस्ट तरावी पढ़ के ही आया हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरावी थी, सुकून मिला पढ़ के, बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख भी लग रही है मुझे। इफ्तार के बाद क्या होता है कि ज़्यादा खाया नहीं जाता है, और मैं अक्सर इफ्तार करने के बाद तरावी पढ़ता हूँ और तरावी पढ़ने के बाद ही खाना खाता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी खाया नहीं जाता है और एकदम पेट फुल लगने लगता है। तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, व्लॉग को थोड़ा सा एडिट भी करना है, तो एडिट करते हैं फिर उसके बाद चलेंगे, एक मस्त मील लेंगे। तो दोस्तों बीवी का भी कॉल आया, चलते हैं, और भूख बहुत भीषण वाली लग रही है। तो चाची नमाज़ पढ़ रही हैं अभी, अम्मा की नमाज़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा जानी क्या कर रहे हैं? परेशान। क्यों हमजा जानी? परेशान। नींद पूरी हो गई आपकी? हमजा की नींद पूरी हो गई है। क्यों हमजा, अब रात भर कर दोगे क्या? रात भर पारा पढ़ोगे आप? क्या कह रहे डैडी? हाँ तो माशाल्लाह दोस्तों बिरयानी लग चुकी है और खाना लग गया है हमारा, जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीषण वाली नींद आ रही है, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।